ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि इस बार सरसों में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मुनाफा हुआ है। पिछली बार 5,82,000 हेक्टेयर में सरसों का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस बार 10 लाख हेक्टेयर में हो चुका है और इसी के चलते दुगना मुनाफा कमाया हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार किसानों को खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हुई है, साथ ही कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं बताऊं आपको, आप किसान हैं, आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आपको 5 बोरी खाद चाहिए तो 5 बोरी मिलेगा। आप सोचो 50 बोरी देते तो नहीं देंगे। जितनी जित 10 एकड़ वाला तो 10 बोरी खाद, 25 एकड़ वाला 25 बोरी खाद, वो वही लेके आता है, उसके अनुसार सोसाइटियों के माध्यम से वितरण हुआ है। 70% हमने सोसाइटियों को दिया है, 30% हमने प्राइवेट में दिया है, ताकि प्राइवेट में भी कई बार किसान उधार ले लेता है तो उधार भी दे सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वाले अगर कोई कोशिश करेगा ब्लैक में बेचने की, किसानों को शोषण करने की अधिक में, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कार्रवाइयाँ की है।